अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। जब आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाना चाहते होंगे तो पहला एप्लीकेशन जो आपके जहन में आता होगा वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। लेकिन क्या आपको पता है कि अडोबे इनडिजाइन में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। चले तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे अडोबे इनडिजाइन इस्तेमाल करने के फवायद और नुकसान सीखते हैं। जब बात आती है ब्लीड मार्जिन्स और स्लग्स के साइज को कंट्रोल करने की, तो इन डिजाइन इसमें माहिर है। इन फीचर्स की मदद से आप तस्दीक कर सकते हैं कि आपका मवाद मार्जिन्स के अंदर महफूज हो और वो प्रिंटिंग के बाद कट न जाए। ब्लीड मार्जिन्स और स्लग्स के बारे में मजीद जानने के लिए उस ट्यूटोरियल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और तो और, इन डिजाइन में मास्टर टेम्पलेट इस्तेमाल करने के बहुत फायदे हैं। आप हर एक सिफात पे मास्टर टेम्पलेट लगा सकते हैं, वो भी सिर्फ ड्रैग और ड्रॉप करके। आप टेम्पलेट के अनासर कभी भी बदल सकते हैं, लिहाजा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये फीचर नहीं होता है। उसके लिए हमें टेम्पलेट को हर सिफात पे मैन्युअली डालना पड़ता है, जो कि बहुत वक्त बर्बाद करता है। इसके अलावा फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर फाइल्स इन डिज़ाइन में आराम से इम्पोर्ट हो जाते हैं, वो भी ओरिजिनल कंटेंट के साथ। अडोबे एप्लीकेशन में शेयरिंग आराम से हो जाती है, जो कि हमारे काम को आसान बनाता है। लेकिन फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर फाइल्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इम्पोर्ट नहीं हो सकते। उसके लिए उन तस्वीर को जेपैक या पीएनजी में एक्सपोर्ट करना पड़ता है, फिर उनको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डाल सकते हैं। अब इनके कुछ लिमिटेशंस बताता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आसान और सस्ता सॉफ्टवेयर है। इनडिजाइन क्रिएटिव क्लाउड हर महीने सब्सक्रिप्शन चार्ज करता है, जो कि बहुत महंगा है। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखना बहुत आसान है। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रोफेशनल सीवी बना सकते हैं, लेकिन पेचीदा डिजाइंस अडोबे इनडिजाइन में बन सकते हैं, जिसको सीखना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनके लिए आला सलाहियतों की जरूरत है। आखिर में एक और बात बताता जाता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और इनडिजाइन के अपने अपने वर्जन होते हैं। तो अगर आपने अपना फाइल इनडिजाइन सीसी वर्जन में बनाया है तो वो फाइल इनडिजाइन CS4 में नहीं खुलेगा। उसके बावजूद भी अगर ये फाइल खुल जाता है तो डॉक्यूमेंट का लेआउट ओरिजिनल काम से थोड़ा मुख्तलिफ दिख सकता है। उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्ड फाइल जो कि .doc फाइल में सेव हुआ हो तो ये नए वर्जन में नहीं खुलेगा, क्योंकि ये .docx फॉर्मेट नहीं है। आखिर में अगर आपको सादा डिजाइन चाहिए तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करें, और अगर आपको पेचीदा डिजाइन चाहिए तो इन डिजाइन इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है कि इस ट्यूटोरियल से आपने सीखा होगा कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बजाय अडोबे इनडिजाइन क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं jawadsumro1988@gmail.com। मेरे फेसबुक पेज को आप फॉलो जरूर करना jawadsumro productions। मेरे इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो जरूर करना jawadsumro studios। अगर इस तरह के ट्यूटोरियल आप मजीद देखना चाहते हैं तो मुझे अभी ही सब्सक्राइब करें। अगर ये सबक आपको बहुत पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आगे जाकर आप मेरा कोई भी ट्यूटोरियल मिस नहीं करना चाहते तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब मैं आपसे नए ट्यूटोरियल में मिलूंगा। आप अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।